स्वागत है आपका IBN न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। NRC केंद्र से बच्चों की हुई छुट्टी। नेपानगर में नेपा लिमिटेड अस्पताल में प्रोजेक्ट मुस्कान के तहत शुरू हुए NRC केंद्र में भर्ती बच्चों के पूर्ण रूप से स्वस्थ होने पर 14 दिन बाद बच्चों की हुई छुट्टी। SDM नेपा मिल अधिकारी और नपा CMO ने 14वें दिन सभी बच्चों की धूमधाम से घर वापसी हुई। उनकी माताओं और बच्चों के साथ सभी अधिकारियों ने केक काटा और खिलौने चॉकलेट वितरित किए। SDM ज्योति शर्मा ने NRC केंद्र में भर्ती सभी बच्चों की माताओं को छुट्टी देने के पहले समझाइश देते हुए कहा कि घर जाने के बाद अपने बच्चों की देखभाल अच्छे करें, अपने बच्चे की देखभाल स्वयं करें, अन्य और कोई नहीं करेगा। खेतों में अपनी बोनी शुरू हो गई है, खेतों में बच्चे को न ले जाएं क्योंकि खेत की मिट्टी में तरह तरह के केमिकल और जीवाणु होते हैं, यदि वह मिट्टी खाएगा तो बीमार पड़ेगा। आंगनबाड़ी केंद्र से मिलने वाले पौष्टिक पोषण आहार लेकर अपने बच्चों को खिलाएं। यदि कोई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आपकी बात नहीं सुनता है तो मुझे शिकायत करें, मैं तुरंत कार्यवाही करूंगी। नेपानगर से प्रीतम महाले की रिपोर्ट। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे जिले बुरहानपुर में प्रोजेक्ट मुस्कान की शुरुआत की गई है। प्रोजेक्ट मुस्कान जो है वो कुपोषित बच्चों, स्पेशली जो सैम और मैम और उनकी जो मदर्स हैं, उनको युद्ध स्तर पे कुपोषण से लड़ने में मदद कर रहा है। उस प्रोजेक्ट मुस्कान में हमने जो किया है कि हमने NRC को एक फुल फ्लेज्ड फैसिलिटी बनाया है, जिसमें 14 दिन तक माँ और बच्चे को एडमिट करके उनका एक स्पेशल उनके चेकअप के बाद उनका एक स्पेशल डाइट तैयार किया गया और उस डाइट में उनकी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी के अनुसार उनका ट्रीटमेंट किया गया है और प्रतिदिन उनकी हाइट, वेट और ब्लड का चेकअप करा गया कि उसमें कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो हमने, जैसा आप सबको पता है कि हमने नेपाल नगर में नेपाल लिमिटेड की सहायता और बाकी सभी विभागों की सहायता, जैसे महिला बाल विकास, हेल्थ डिपार्टमेंट, नगर पालिका, सबकी सहायता से यहाँ इस नेपाल लिमिटेड के हॉस्पिटल में एक NRC खोला था और उसमें फ़र्स्ट बैच हमने यहाँ एडमिट किया था। तो वो जो फर्स्ट बैच है उनके 14 दिन पूरे हो गए हैं। फर्स्ट डे से लास्ट डे तक उनको प्रॉपर सुपर मॉनिटरिंग में रखा गया और उनका ट्रीटमेंट किया गया, जिसके बाद आज वो सभी हेल्दी हैं और उनको आज डिस्चार्ज किया जा रहा है। कितने बच्चों को डिस्चार्ज किया? इसमें है 30 बच्चे। अभी क्या है, निरंतर ऐसे NRC के अंदर? यस, जैसे आज हमने 30 बच्चों को यहाँ से डिस्चार्ज किया है तो आज कल हम इस फैसिलिटी की साफ सफाई करा देंगे और मंडे से अगेन 30 बच्चों को एडमिट कर दिया जाएगा अलॉन्ग विद देयर मदर्स। तो कब तक चलेंगे? जब तक हम बुरहानपुर जिले को कुपोषण से बिल्कुल रहित ना कर दें। एक एक बच्चे को हमने अपने फील्ड में, जैसे आप सबको पता होगा, RBS के और एक डॉक्टर्स की टीम को भेजा हुआ है। वो हर गांव में घर घर जाके जो बच्चे हैं कुपोषण से जो प्रभावित हैं और उनकी माताओं का चेकअप कर रहे हैं और उन्हें निरंतर यहाँ पे रेफर कर रहे हैं। तो हमारी जो NRCs हैं वो हर ब्लॉक में चल रही हैं, थकनार में चल रही है, नेपा में चल रही है और डिस्ट्रिक्ट में एक जिले स्तर पे एक बहुत बड़ा NRC चल रहा है। तो जब तक हमारा जिला कुपोषण से रहित नहीं हो जाता, हम इस प्रयास में निरंतर बने रहेंगे और इसको युद्ध स्तर पे लड़ने की हमारी पूरी संभावनाएं करते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए IBN 9 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।